हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हो हेरिटेक एंड ब्लॉक्स चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो बेसिकली एक ही टॉपिक के ऊपर है जो कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। यार, पबजी इंडिया में वापस आ चुका है। इट इज़ अ ट्रुथ। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। अब मैं आपको इसका एक एविडेंस देता हूँ कि ये सच क्यों है, ठीक है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पबजी की एंट्री इंडिया में कैसे हुई है और क्या क्या पबजी में नया होगा। तो गाइस, आप लोग इससे पहले कि ये समझो कि मैं कुछ भी मनगढ़ंत बात बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है गाइस। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा पब्लिश्ड एक आर्टिकल को रीड आउट करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि न्यू पबजी विल हैव कैरेक्टर्स केटरिंग टू लोकल नीड्स। मतलब कि इस बार जो पबजी इंडिया में आ रहा है उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो इंडियन, मतलब इंडिया से कुछ ना कुछ रिलेटेड होंगे। जैसे कि या तो वो कोई इंडियन सेलिब्रिटी हो सकता है, या फिर कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, या फिर कोई इंडियन ट्राइबल पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ये मेरा एग्जाम्पल है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। अगला जो पॉइंटर है वो ये है, द न्यू गेम हैज बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर द इंडियन मार्केट। अब जो गेम बना था पहले, जो अपना पबजी मोबाइल था पहले, वो पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन ने बनाया था और वो कुछ हद तक, मतलब बेसिकली इंडिया से बिलोंग नहीं करता था किसी भी हद तक, लेकिन अब जो गेम आने वाला है वो इंडिया से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड पबजी है सब्सिडियरी ऑफ साउथ कोरिया क्राफ्टन। अब आप एक बात समझो कि एक तरफ है पबजी कॉरपोरेशन जो कि चाइना में है, और एक तरफ है अपनी क्राफ्टन कंपनी जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि साउथ कोरिया की है, उसने और आपकी पबजी कॉरपोरेशन ने कोलैब करा है, ठीक है। एक कोलैब करा है और ये पबजी गेम उतारा है। अब इसका नाम बताता हूँ मैं आपको, इस गेम का नाम है पबजी मोबाइल इंडिया, PMI, पबजी मोबाइल इंडिया नाम से गेम रिलीज होगा, ठीक है गाइस। और एक बात और, द कंपनी प्लान्स टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड हेल्दी गेम प्ले एनवायरमेंट अलोंगसाइड इन्वेस्टमेंट टू कल्टीवेट लोकल वीडियो गेम्स। अब एक बात आप समझो कि जैसे पहले जो गेम बना था उसमें ना तो हमें कुछ फायदा हो रहा था, ठीक है, और ना ही कोई, जैसे कि लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं और वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उनको भी कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट के यहाँ पे मौका मिल सकता है पबजी मोबाइल कॉरपोरेशन की तरफ से, ठीक है। और इट हैज़ इंक्लूडेड लिमिटेड टाइम, मतलब जैसे कि पहले हम लोग घुसे रहते थे ना गेम में खेलने के लिए कि भाई 7 घंटे खेलो, 8 घंटे खेलो, 10 घंटे खेलो, खेलते रहते थे, ऐसा नहीं है। अब एक लिमिटेड टाइम होगा, वो लिमिटेड टाइम कितना भी हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना भी हो सकता है भाई, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है, कितना भी हो सकता है। दिस टाइम पबजी कॉर्पोरेशन प्लान्स टू मेक इन्वेस्टमेंट वर्थ $100 मिलियन इज इक्वल टू 750 करोड़। मतलब 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पबजी कर रहा है इंडिया में आने के लिए। गाइस समझ लो, PUBG has also thanked Indian supporters and improved its graphics. और अब PUBG ने जो है अपने इंडियन सपोर्टर्स को बहुत बड़ा थैंक यू कहा है, और इस बार उन्होंने वादा करा है कि जो PUBG आने वाला है उसके जो ग्राफिक्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आएंगे, ठीक है। There will be local office as well here in India. तो गाइस, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप में से कोई लोग फ्री फायर भी खेलता होगा, ठीक है, तो उनको यह पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया में फ्री फायर का ऑफिस है। तो ऐसे ही अब जो कि PUBG मोबाइल इंडिया आ रहा है तो उसका ऑफिस भी इंडिया में ही होगा, ठीक है गाइस। और इसके बाद डेटा सिक्योरिटी विल बी अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गेम। अब इसमें आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाला है, तो अपने डे कोई भी चिंता ना करें आप। और अब फाइनली जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई इसकी डेट कितनी है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, उसमें जो लिखा है द कंपनी हैज नॉट अनाउंस एनी डेट फॉर द रिलीज ऑफ द न्यू गेम। मतलब अभी तक गेम की कोई रिलीज डेट जो है वो ऑफिशियली एक्सप्लोर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो यहाँ सब लिखा है उसको देखते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर या तो गेम की रिलीज डेट आ जाएगी या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका गेम रिलीज हो जाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आपको इस वीडियो पर जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आया। It is only for this much. We will meet in the next video. Bye bye.